पूर्वी सियांग पड़ोसी असम की सीमा से सटा हुआ है और इसी कारण ये रुकसिन चेकगेट के सक्रिय किरदार के साथ सियांग घाटी के विभिन्न जिलों का पारवहन और पड़ाव का महत्वपूर्ण क्षेत्र और प्रवेश द्वार है। इसके अलावा कोरोना वायरस के खिलाफ हमारी सामूहिक लड़ाई में लोग, जनता और जिला प्रशासन वायरस को मात देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। स्वयंसेवकों, सेवियों, शुभचिंतकों और सबसे बढ़कर हमारे फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं को जो 24/7 ड्यूटी कर रहे हैं, हमारा विशेष अभिनंदन है। पूर्वी सियांग जिला प्रशासन और जिला पुलिस ने कोविड महामारी के इस दूसरी लहर के दौरान 1 अप्रैल से जिले में गो कोरोना वज्र वाहन के माध्यम से सार्वजनिक स्थानों पर मास्किंग और कोविड उपयुक्त व्यवहार को सख्ती से लागू किया है। जिला प्रशासन और जिला पुलिस उल्लंघनकर्ताओं पर सख्ती से हुई इस कार्यवाही के बाद जमा की हुई जुर्माना की राशि से जिले के 8 प्रशासनिक तालुकों में कोविड केयर बैंक बनाने जा रही है। इस कोविड केयर बैंक में अभी के लिए प्रति सर्कल 1 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 10 थर्मामीटर और 5 ऑक्सीमीटर उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अतिरिक्त अगले हफ्ते 60 थर्मामीटर एवं 30 ऑक्सीमीटर हमारे सीएसआर पार्टनर विजन आईएस द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। इस प्रकार अगले हफ्ते तक 70 थर्मोमीटर्स और 35 पल्स ऑक्सीमीटर, 1 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्रति सर्कल सर्कल ऑफिस में उपलब्ध रहेंगे। इस बैंक से वो सभी जरूरतमंद व्यक्ति जो कोविड पॉजिटिव हो गए हैं, ग्रामीण इलाके में रहने वाले हैं, एसिम्प्टोमेटिक हैं, माइल्ड हैं और जिनकी आर्थिक व्यवस्था ऐसी नहीं है कि वे उपकरण खरीद सकें, ऐसे लोग इस बैंक से ये उपकरण 10 दिन के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ले जा सकते हैं और कोविड निगेटिव होने के उपरांत इसको वापस कर सकते हैं। जिले की मेडिकल टीम अभी सारे होम आइसोलेशन के मरीजों को फ्री मेडिसिन किट भी उपलब्ध करा रही है। इन कार्यों के अलावा वीकली फीवर एंड डोर स्टेप ट्रेनिंग के अंतर्गत जिला प्रशासन की एक 15 सदस्यीय टीम घर घर जाकर फीवर सर्वे और अर्ली टेस्टिंग, आइडेंटिफिकेशन, आइसोलेशन एंड ट्रीटमेंट पर काम करेगी। साथ ही कोरोना वायरस के अलावा डिस्ट्रिक्ट वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के अंतर्गत डेंगू, जापानीज इंसेफेलाइटिस और मलेरिया जैसी बीमारियों की भी जांच करेगी।